अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग सब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे खैर खैरियत से होंगे और जी मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ काफ़ी सर्दी पड़ चुकी है हमारी तरफ तो बहुत ठंड है जिस दिन से मैं आई हूँ मैंने धूप नहीं देखी है और मतलब रोज़ ही धुंध पड़ी हुई है मौसम बहुत ठंडा है तो सही पूछे तो मैं तो कितने दिन पाँच छः दिन तो बाहर भी नहीं निकली ना क्योंकि बस दिल ही नहीं कह रहा था और बस फिर आते साथ जो है काम भी ख़त्म नहीं हो रहे थे अच्छा जी यहाँ पर बना रही हूँ मैं पिंक टी अपने लिए और जी ये है शक्कर और शक्कर ये वाली भी मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ तो मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान तो वापसी पे कुछ ना कुछ पहले तो बहुत सारी चीज़ें लेके आती थी मसाले वगैरह भी ये वो लेकिन इस दफ़ा जो हस्बैंड ने बिल्कुल सख्ती से मना किया था कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है सब कुछ यहाँ से मिल जाता है तो फिर इस दफ़ा जो है बस मैं वही चीज़ें लेके आई जो मेरी जरूरत की थी और सही पूछें तो मतलब खाने पीने की भी चीज़ें बहुत मुनासिब लेके आई वरना मैं बहुत ज़्यादा लेके आती होती हूँ तो इस दफ़ा मुनासिब ही चीज़ें मैं लेके आई हूँ अच्छा जी यहाँ बना रही थी पिंक टी तो जो दूध था वो मैंने रख दिया था और इसके बाद जी थोड़ी सी शक्कर डाली थी जो मुझे हँसपे जायका जो मुझे चाहिए थी जितनी थोड़ी सी डाली थी और इसके बाद जी ये पाउडर मिल रहा है आ, पिंक टी का बाजार में बहुत सारी वैरायटी है बहुत सारी पैकिंग में आती है तो मैंने उनमें से ये एक पैकिंग ली थी और सही पूछे मुझे पता नहीं था कि इतना अच्छा निकलेगा मैंने तो बस वैसे ही बस जहाँ से चीज़ें वगैरह ली तो वहाँ पे पड़ा हुआ ये डिब्बा देखा तो मैंने कहा ये ले लेती हूँ एक ट्राई करूँगी पता नहीं कैसे बनेंगी लेकिन चलो ले लेती हूँ तो ये मैंने फिर आके जब पहले दिन बनाई रात को तो ये बहुत मज़े की बनी और इसका ज़ायका बहुत मज़े का है बहुत टेस्टी है ज़ायका और मतलब ज़बरदस्त है मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बेकार नहीं है तो बहुत अच्छा है तो बिल्कुल ये पाउडर सा एक बना हुआ है चलें नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं ज़रूर आपको बोतल भी दिखा दूँगी तो पाउडर सा बना हुआ है प्लास्टिक की बोतल में तो समझ ले पत्ती ही कह लें जैसे दूसरे लफ्ज़ों में पत्ती होती है चाय की पत्ती तो ये भी अब पिंक टी की पत्ती ही समझ लें लेकिन ये बिल्कुल पाउडर सा बना हुआ है तो आप एक कप दूध में बिल्कुल थोड़ी सी ये डाल दें और ये इसका कलर अच्छा खासा कलर ये मतलब से अच्छा वाला पिंक जो है ना कलर आता है इसका तो फिर वो ज़्यादा डालो तो ज़्यादा पिंक हो जाएगा लेकिन ये कलर बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा था मुझे बहुत पसंद था तो लेकिन चाय बनाई लेकिन ये पिंक टी बनाई ना तो मुझे बहुत इसका टेस्ट अच्छा लगा तो फिर जो है ये आजकल मौसम सर्द होने की वजह से शाम को चार बजे ये बस थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ और साथ जी ये टिक्कियाँ बना के लेके आई थी गुड़ की बनी हुई आटे की जो होती हैं मीठी टिक्कियाँ जिन्हें कहते हैं ठीक है तो ये बहुत ये मुझे बहुत पसंद है तो इसलिए गुड़ की बनवाई थी और शाम के चाय के साथ एक आध पीस या दो पीस ले लें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है तो मैं मैंने ये बनवाई थी लेकिन ये भी मैंने थोड़ी सी बिल्कुल बनवाई थी ताकि भाई ज़ाया ना हो और बस वो उतनी बनाई जाए जो ख़त्म हो जाए बस और, और इस या सुबह नाश्ते में खा लेते हैं लेकिन मैं सुबह नाश्ते में नहीं खा खाती तो इस टाइम शाम के चाय के साथ मैंने जो है ये एक दो ले लिए और इसके इतने ज़्यादा डिज़ाइन बने हुए थे इतने फूल बने हुए थे इन पर और ये काफ़ी मज़े के थी अच्छा ये चीनी में भी बन जाती हैं शक्कर में बन जाती है मो लोग बहुत मुख्तलिफ बहुत कुछ डालते हैं तो इसमें भी सौंफ और सब कुछ जो है ना मिक्स सब कुछ डला हुआ था अच्छा जी पंजीरी की रेसिपी तो आपको पता है मैं डाल चुकी हूँ अपनी वीडियो में और इसके बाद जी ये बनवा के दरअसल मैं अपने हस्बैंड के लिए लेके आई थी तो उनको पंजीरी बहुत पसंद है हर साल सर्दियों में पंजीरी तो मैं बनाती हूँ बना के देती हूँ उनको लेकिन उनको बस खा जाते हैं लेकिन पसंद मेरी नहीं आती उस तरह ना तो इस दफ़ा मैं गई भी थी तो मैंने कहा कि क्यों ना चलें इनके लिए बनवा के ले जाऊँ जो, जो मेरे हस्बैंड इनकी मदर बनाती हैं बहुत अच्छी पंजीरी बना लेती हैं वो तो ये भी गुड़ की ही पंजीरी है और गुड़ की पंजीरी उनको बहुत पसंद है तो मैंने कहा कि चले अब जाते हुए उनको पंजीरी पसंद है तो पंजीरी ही बनवा के ले जाती हूँ तो ये मैंने डाल दिए थे डिब्बे में डाल दिए थे तो मैंने कहा कि नहीं भाई ऐसा करती हूँ ये जार में लाई हुई थी तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ ये जार में डाल देती हूँ ताकि चलें आसानी हो इनको लेने में तो और ये फिर मैं डाल के इसमें जो है ना मैंने कहा कि चलो इसको निकाल के रख देती हूँ अच्छा साथ जो है ना मैं जहाँ से चीज़ें वगैरह ली थी मतलब ये इसकी जो भी कुछ लिया था मतलब एक शॉप थी ड्राई फ्रूट की वहाँ से ना मैंने ये ली थी रेवड़ी ठीक है ये बनी हुई है गुड़ की ठीक है और इसके बीच में मूँग पली है पहले तो एक दो दिन हमने खाई तो हमें समझ ही ना लगे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है ना ये इतनी मीठी है और मतलब बहुत मज़े की इसका ज़ायक़ा भी बहुत अच्छा था फिर मैंने जब और इसके काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं वो नीचे हैं क्योंकि ये मैंने इसमें जार में डाली है तो छोटे छोटे पीस जो है वो ऊपर आ गए हैं तो नीचे जो इसके काफ़ी बड़े बड़े पीस भी हैं तो मैंने खाई तो मुझे पता चला कि इसके बीच में मतलब वो भी हैं क्या कहते हैं उनको मूँगफली है अच्छा जी आज था बुध का दिन तो फिर जो है सुबह में उठी तो मैंने बताया जैसे कि मैं काफ़ी दिन बाहर नहीं निकली तो जी फिर मैंने ज़ारा को बोला कि चलो और मार्केट लगी हुई है तो वहाँ चलते हैं थोड़ा सा आ, फ्रेश एयर भी ले लेंगे और थोड़ा सा दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगा और इसको एक दो चीज़ें स्कूल के लेनी थी प्रोजेक्ट के लिए तो मैंने कहा चलो और देख लो अगर वहाँ से मिल जाती है तो वहाँ से ले लो नहीं तो फिर आ, कोप पे चले जाएंगे वहाँ से ले लेंगे कल चले जाएंगे तो कहती चले ठीक है तो यहाँ पर मैं आई हूँ तो सही पूछे उस तरह ना कोई चीज़ सही मुझे नज़र आई और ना ही कोई इतनी रश वगैरह थी बस थोड़े से लोग थे शायद लोग घरों में ज़्यादा हैं और काम पे भी काफ़ी लोग होंगे लेकिन ये था कि मैंने कहा कि चलें एक चक्कर भी लगाते हैं और जो कुछ चाहिए कुछ ले, ले लेते हैं अच्छा कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती कोई चीज़ पसंद भी नहीं आती है तो वैसे ये होता है कि बाहर जाने से थोड़ा इंसान रिलैक्स हो जाता है फ्रेश हो जाता है तो आप यकीन करें कि फिर अच्छा यहाँ पर मैं आई थी फ़्रूट वग़ैरह और सब्ज़ी वगैरह देखने के लिए मैंने इसको बोला चलो आओ सब्ज़ियाँ वगैरह को देख लेते हैं कोई मतलब ना लेकिन यकीन करें कि आप लीडल और कॉर्नट और कोप से ज़्यादा जो है इनकी कीमतें ज़्यादा थी ठीक है मतलब वहाँ पर कम है लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लेकिन मैं जहाँ पर पहले रहती थी वहाँ पे जो ये मार्केट लगती थी बहुत सस्ती और मुनासिब चीज़ें मिल जाती होती थी बहुत कम रेट में तो जी यहाँ से देखना था ज़ारा ने कुछ अपने स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी उसको कुछ मार्कर्स टाइप कुछ इस तरह से ना तो मैंने कहा चलो तुम देख लो अगर तुम्हें कुछ यहाँ से मिल जाता है तो ठीक है तो फिर ये उसने हाई लेटर लिए थे अपने लिए उसको चाहिए थे और फिर बस मैंने मोप लिए थे दो और जी बस फिर उसके बाद हम लोग निकल के वापस घर की तरफ तो जा रहे थे कि चलो अब घर चलते हैं और सही पूछे तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था क्योंकि मैं घर से ही हम लोग लेट आए थे तो इस वजह से जो था शायद रश नहीं था शायद सुबह सुबह सारे लोग होके चले गए थे तो मतलब कुछ चहल पहल सही सी नज़र नहीं आ रही थी <laughs> तो काफ़ी जगह खाली भी थी तो जी यहाँ से जो है बस निकलूँगी और यहाँ पे मुझे स्वेटर्स पसंद आ गए थे इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स थे उन स्वेटर्स के में क्या मैं आपको नहीं बता सकती और लेकिन ये शॉर्ट्स में थी ना तो अगर लॉन्ग में होते इनमें इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और इनके कलर्स भी बहुत अच्छे थे ये बहुत अच्छे लग रही थी और उसके साथ ही छोटी सी एक शॉप थी मतलब तो वहाँ पे ये चीज़ें जो थी पिन्ने पोनियाँ कैचर नेल्स वगैरह थी तो जारा को मैंने बोला कुछ लेना तो वैसे तो इसके पास बहुत चीज़ें लेकिन इसने इस दफ़ा बोला कि नहीं चाहिए क्योंकि इसको जो स्कूल की चीज़ें चाहिए थी इसने वो पूरी करनी थी अच्छा जी अच्छा मज़े की बात आपको बताऊं कि जब मैं पाकिस्तान से आई तो जहाँ के मैंने जब चीज़ें खोली तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो थी वो मीठी थी ठीक है मिठाई थी मतलब जो भी थी और इसके अलावा पंजीरी थी रेवड़ियाँ थी मुरुंडे थे तो <laughs> पहले दिन तो मीठा खा खा के बुरी हालत होगी सबकी तो वो जी मेरे हस्बैंड कहने लगे ये तो बहुत ज़्यादा मीठा है तो अब ये देख के दिल भी नहीं करता छोड़ने को और बस तो इतना मीठा खा लूंगा तो फिर क्या होगा तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा थोड़ा करके खाना जब पंजीरी है वो एक दिन बाद शुरू कर लें लेकिन पहले एक दो दिन मिठाई खा लें अच्छा मिठाई जो थी ये इनको बहुत पसंद है रसगुल्ले वग़ैरह तो मैंने कहा कि चलो अब आए भी हूँ तो ले ही जाऊँ तो इस वजह से ये मिठाई वगैरह और ये मीठा शीठा इतना लेके आई थी लेकिन अब तो काफ़ी हद हाँ तक ख़त्म हो चुका है चलिए जी उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल को करेगा सब्सक्राइब और अपने दुआओं में मुझे रखेगा हमेशा याद इंशाल्लाह मैं मिलूँगी नए ब्लॉग में अल्ला हाफ